मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के अंदर पॉइंट नंबर वन, कोई भी बॉडी कैसे घूमेगी इन अ वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल के लिए आप एक काम करें, आप एक डायग्राम ड्रॉ करें इसका, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का, ये लो। तो एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में ये केस लेंगे जिसमें ये सेंटर है और ये स्ट्रिंग है और ये मास m है, ये स्ट्रिंग है और ये मास m है। ठीक, डायग्राम साथ साथ बनाएं। ठीक है, इसके अंदर आप एक मास को कैसे घुमा रहे हो वर्टिकल सर्कल में? मुझे सिर्फ पहली चीज का आंसर दो। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का पहला क्वेश्चन मेरा कि जब आप मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल लोगे, स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में रिमेंस सेम, ठीक है, सेम है। तो अब आप क्या करोगे, जब ये मास यहां पे है, मान लो एक पानी की बाल्टी उठा के आप ऊपर घुमा रहे हो, तो जब पानी की बाल्टी नीचे है तो बोलो टेंशन यहां पे, या जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे मास आ गया, टेंशन यहां पे, रस्सी में टेंशन आ जाएगी और सेंटर है, सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी? डिफरेंट रहेगी। सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी? नीचे के ऊपर, नीचे होगी। ऐसा क्यों? ग्रेविटी का असर सबसे नीचे है, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, याद रखना, जब आप किसी भी मास को उठा के गोल घुमाएंगे, टेंशन सबसे ज्यादा यहां पे होगी, जब उठाएंगे, उठाना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद आप उसे घुमाएंगे, टेंशन कम 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 कम, सबसे कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है, फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? तुम्हें डर है तुम्हारी पानी की बाल्टी कहीं टेंशन ना चला जाए, तुम्हें फोर्स लगा के खींचनी पड़ती है, उड़ जाएगी इस तरफ, तो टेंशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम। तो टेंशन हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगी? चेंज करेगी, रूल नंबर वन। तो पहला स्टेप ये नोट करें इसमें कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के अंदर जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? मैक्स, मैक्स। और टेंशन की वैल्यू यहां पर जो होगी वो हमेशा क्या होगी? मिनिमम। टेंशन मिनिमम, मिनिमम, ऐसे टेंशन मैक्स, टेंशन मिनिमम। ये पॉइंट नंबर वन है। सही।